वेलकम स्टूडेंट्स साइंस का. आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो रेजिस्टिविटी के बेस्ड पर एग्ज़ाम में आ सकता है. जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि सिल्वर को हम बेस्ट कंडक्टर क्यों कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है, सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि सिल्वर की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है. रेजिस्टेंस कम होगी उसकी तो उसमें से करंट क्या करेगा, इजीली पास करेगा. तो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बट हम इसको फिर यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिक वायर्स में क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वी डू नॉट यूज़ सिल्वर टू मेक इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज इट इज़ वेरी कॉस्टली मेटल, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा. ठीक है, और इसीलिए हम सिल्वर को इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ नहीं करते हैं. तो फिर किसको करते हैं, सिल्वर को यूज़ नहीं करते हैं तो किसको करते हैं, कॉपर या फिर एल्युमिनियम को. ठीक है, कॉपर वायर्स तो हमारे घरों में भी लगी होती हैं. ठीक है, एल्युमिनियम वायर्स इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशंस में लगी होती हैं. ठीक है, और कॉपर और एल्युमिनियम वायर को हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज कॉपर और एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है. रेजिस्टिविटी कम होती है मतलब उसकी रेजिस्टेंस कम होती है, और अगर रेजिस्टेंस कम होती है तो उसमें करंट क्या करेगा, इजीली पास होगा, और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं. ठीक है, तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉपर और एल्युमिनियम वायर का. क्वेश्चन आ सकता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉपर और एल्युमिनियम वायर्स क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इनके जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत कम होती है, लो रेजिस्टिविटी. ठीक है, और अगर एलोएज की बात करें हम, ठीक है, एलोए की जो रेजिस्टिविटी होती है वो प्योर मेटल से ज़्यादा होती है, मतलब प्योर मेटल से ज़्यादा होती है मतलब उसमें करंट इजीली पास नहीं कर पाएगा. ठीक है, एलोए कौन कौन से होते हैं, मैंगनीन होता है, कॉन्सेंटन होता है, निक्रोम होता है. ठीक है, एलोए क्या होता है, जो एक या एक से ज़्यादा मेटल या नॉन मेटल से मिलके बने होते हैं. ठीक है, जैसे मैंगनीन एलोए है वो किससे मिलके बना हुआ, कॉपर से, मैंगनीज से और निकल से. ठीक है, कॉन्सेंटन की बात करें ये कॉपर से और निकल से मिलके बना है. निक्रोम की बात करें निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि निक्रोम किन किन सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है, निकल से मिलके बना होता है, क्रोमियम से, मैंगनीज से और आयरन से. ठीक है, और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि वाई हीटिंग एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, जो हमारे घरों में टोस्टर्स पड़े होते हैं, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, प्रेस होती है जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं अपने. ठीक है, और आर मेड अप ऑफ अलॉय, ये अलॉय से बने होते हैं, प्योर मेटल से क्यों नहीं बने होते. ठीक है, क्योंकि जो अलॉय होती है उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है प्योर मेटल से. ठीक है, और अगर उसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी तो उसमें से करंट इजीली नहीं पास करेगा, करंट इजीली नहीं पास करेगा तो वो क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा. ठीक है, अलॉय की ऑक्सीडेशन नहीं होती है हायर टेम्परेचर पे. ऑक्सीडेशन का मतलब अलॉय बर्न नहीं करता है. ठीक है, वो बर्न नहीं होता है हायर टेम्परेचर पे. इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इनमें क्या यूज़ करते हैं, अलॉय यूज़ करते हैं. रीज़न क्या है कि अलॉय की एक तो जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, प्योर मेटल से हाई होती है. ठीक है, दूसरा कि ये इनकी ऑक्सीडेशन नहीं होती. ऑक्सीडेशन का मतलब ये इजीली बर्न नहीं करते. जैसे मान लो करंट पास करने की कोशिश करेगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वो सब्सटेंस बर्न भी कर सकता है, लेकिन एलॉय इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते, इजीली बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पे. इसीलिए हम हीटिंग एलिमेंट्स लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इनमें किसका यूज़ करते हैं, एलॉय का यूज़ करते हैं रादर देन प्योर मेटल. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो निक्रोम एलॉय होता है उसका हम यूज़ क्यों करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए. हीटिंग एलिमेंट्स जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक गीजर लगा होता है, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, कैटल्स होती हैं. ठीक है, तो उसमें हम निक्रोम एलॉय क्यों यूज़ करते हैं, सेम वही रीज़न कि एलॉय की क्या होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है. अगर रेजिस्टिविटी हाई होगी ड्यू टू विच द हीटिंग एलिमेंट मेड अप ऑफ निक्रोम हैज़ हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टिविटी मतलब हाई रेजिस्टेंस एंड प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट ऑन पासिंग द करंट, और करंट पास करने पर ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, लॉट ऑफ हीट. और इन सब्सटेंसेस में हमें जनरली क्या चाहिए होता है, हीट ही चाहिए होती है. ठीक है, सेकंड पॉइंट कि इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती, ऑक्सीडेशन मतलब इजीली बर्न नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर, ड्यू टू विच निक्रोम वायर कैन बी केप्ट रेड हॉट. ये रेड हॉट हो जाती है, बिल्कुल रेड कलर में हो जाती है जब इसमें से हम करंट पास करने की कोशिश करते हैं. जैसे आपने देखा ही होगा घरों में हीटर्स लगे होते हैं. ठीक है, हीटर्स जो पुराने ज़माने के हीटर्स थे उनमें जो वायर है निक्रोम वायर इस तरह की शेप की होती थी. ठीक है, सर्कुलर शेप में वो हीटर होता था. क्लियर है, और इस तरह जब इसमें से करंट पास करते हैं बिल्कुल रेड कलर की हो जाती थी वायर. ठीक है, ये रेड हॉट हो जाती है लेकिन फिर भी बर्न नहीं करती है.
ठीक है, क्लियर है। तो इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं, निक्रोम का यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हम निक्रोम एलॉय की यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए, क्योंकि एक तो निक्रोम की रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, दूसरा कि इसकी इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होती है, मतलब इजीली बर्न नहीं करते हैं हाई टेम्परेचर पर। ठीक है, अगर स्टूडेंट बात करें सेमी कंडक्टर्स की, ठीक है, सेमी कंडक्टर्स के पास किसकी प्रॉपर्टीज होती है, मेटल की भी होती है और नॉन मेटल की, इन बिटवीन आते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के इन बिटवीन आते हैं सेमी कंडक्टर्स लाइक सिलिकन, जर्मेनियम। ठीक है, और इनके पास दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो दोनों के इन बिटवीन होती है, कंडक्टर्स के और इंसुलेटर के। ठीक है, ना तो इंसुलेटर से ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है ना ही कंडक्टर से कम, इन दोनों के बीच में आते हैं सेमी कंडक्टर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सेमी कंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, इन बिटवीन होती है कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर के। तो अभी हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, सॉरी एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, कि जो किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। हमने क्वेश्चन किया हुआ ये वाला कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर लेंथ इंक्रीज होएगी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एरिया के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। एक तो रेजिस्टेंस एरिया के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका आंसर ये आ गया कि इट इज इनवर्स, अगर एरिया इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होएगा, डिक्रीज होएगा। एरिया डिक्रीज होएगा तो रेजिस्टेंस क्या होएगा, इंक्रीज होएगा। थर्ड पॉइंट कि जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन भी इंक्रीज करेगी, कोलिजन इंक्रीज करेगी तो क्या इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स। दोबारा देख लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो कैसे डिपेंड करती है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और टेम्परेचर के भी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन लेंथ इज ट्रिपल, अगर लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, हमें पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, अगर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ को 3 टाइम्स करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑल्सो गेट ट्रिपल। ठीक है, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी। और अगर डायमीटर की बात करें, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर चेंज व्हेन डायमीटर इज ट्रिपल, तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ डायमीटर के, हमने किया हुआ ये। ठीक है, अगर डायमीटर ऑफ स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो अगर हम डायमीटर को क्या कर देंगे, 3 टाइम्स करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 3 टाइम्स ऑफ स्केयर ऑफ डायमीटर। ठीक है, तो कितनी हो जाएगी, 1/9 हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस गेट 1/9 टाइम्स। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/9 टाइम्स हो जाएगी पहले से, क्योंकि अब डायमीटर को क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1/9 टाइम्स। अगर डायमीटर को ट्रिपल करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर के स्क्वायर के, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर को क्या कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, कितनी होगी, 1/9 टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम टू फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स एंड टू फैक्टर ऑन विच इट डज नॉट डिपेंड। देखो कौन से दो फैक्टर होते हैं जिन पर डिपेंड नहीं करती, टू फैक्टर्स जिस पे डिपेंड नहीं करती, एक तो लेंथ पे डिपेंड नहीं करती रेजिस्टिविटी, दूसरा एरिया पे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लेंथ कितनी फिक्स रहती है, 1 मीटर, एरिया कितना फिक्स रहता है रेजिस्टिविटी चेक करने के लिए, 1 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, और किन दो फैक्टर्स के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट नेचर ऑफ मटेरियल, कि हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है, कॉपर की अलग होती है, सिल्वर की अलग होती है। ठीक है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कोलिजन अलग अलग होगी। तो इन दोनों के ऊपर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, टू फैक्टर्स ऑन विच
इट डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, कौन से दो फैक्टर हैं वो? वो है लेंथ और एरिया, बिकॉज ये फिक्स रहते हैं. और किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो तो है लेंथ और एरिया. किसके ऊपर डिपेंड करती है वो है नेचर ऑफ मटेरियल, और सेकेंड इज टेम्परेचर. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज मोर रेजिस्टेंस, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी? लॉन्ग पीस ऑफ निक्रोम की ज्यादा होगी या शॉर्ट पीस ऑफ निक्रोम की? तो हमें पता है कि रेजिस्टेंस लेंथ के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी. तो क्या आंसर आएगा इसका, लॉन्ग पीस. किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, थिक पीस ऑफ निक्रोम या थिन पीस ऑफ निक्रोम? हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया के. तो जिसका एरिया ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, और जिसका एरिया कम होगा उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी. तो इसका आंसर क्या आएगा, थिन वन. जो थिन पीस है उसका एरिया क्या होगा, कम होगा. एरिया कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी. क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम एक न्यूमेरिकल करते हैं रेजिस्टिविटी के बेस्ड पे. ठीक है, कॉपर वायर की लेंथ कितनी दी हुई है, 2 मीटर. ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर हमारे पास कितनी है, 2 मीटर. क्लियर है स्टूडेंट्स? उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ, एरिया दिया हुआ है. एरिया हमें दिया हुआ है 1.7 × 10⁻⁶ m². क्लियर है? और इसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ 2 × 10⁻²⁰ ohms. रेजिस्टेंस हमने लिख दी 2 × 10⁻²⁰ ohm. ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, रेजिस्टिविटी. हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए. हमने लास्ट वीडियो में किया हुआ है ये, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे. रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻²⁰ इज इक्वल टू, ठीक है, रेजिस्टिविटी तो हमने फाइंड ही करनी है. लेंथ कितनी है, 2. एरिया कितना है, 1.7 × 10⁻⁶. क्लियर है? इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो रेजिस्टिविटी आएगी 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाई 1.7 × 10⁻⁶, ठीक है, सॉरी 10⁻²⁰ है यहाँ पे, अपॉन 2 आ जाएगा. 2 से 2 कैंसिल. क्लियर है? ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया. तो 17, या फिर इसको सिंपली 1.7 × अगर इसको 10 को ना हटाएं, पॉइंट का पॉइंट ही रखें, तो 1.7 × −6 और −2 कितना हो गया, −8. 10⁻⁸ क्या यूनिट होती है इसकी, ओम मीटर. तो ओम मीटर इसकी यूनिट आ गई, आंसर आ गया. क्लियर है स्टूडेंट्स? हमें लेंथ दी हुई थी, एरिया दिया हुआ था, रेजिस्टेंस दी हुई थी. हमने क्या फाइंड करना था, रेजिस्टिविटी. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी और हमने रेजिस्टिविटी फाइंड कर ली. क्लियर है स्टूडेंट्स? ऐसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अ 6 ohm रेजिस्टेंस वायर इज डबल अप बाय फोल्डिंग. हमारे पास सपोज एक वायर है ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, 6 ohm. इसकी लेंथ एल है सपोज, और एरिया ए है. क्लियर है? और किसी भी सब्सटेंस से बनी हुई है. अगर इसी वायर को वो कहते कि डबल कर दिया जाए, मतलब इस तरह डबल कर दिया, पहले से पहले इतनी है ए बी, ठीक है, एरिया ए है और लेंथ एल है. अब इसको डबल कर दिया, डबल मतलब लेंथ क्या होगी इसकी, हाफ होगी पहले से. अगर लेंथ हाफ होगी तो एरिया क्या हो जाएगा, डबल. एरिया हो गया 2a. वो कहते हैं कि अब इसकी नई रेजिस्टेंस कितनी है वो फाइंड करनी है, हमने आर डैश फाइंड करनी है. पहले की रेजिस्टेंस हमें पता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी एल बाय ए. ठीक है, ये तो फर्स्ट केस हो गया जब हमारी रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ohm, रेजिस्टिविटी एल बाय ए. ये फर्स्ट केस हो गया हमारे पास. ठीक है, अब हमने क्या किया, नई रेजिस्टेंस फाइंड करनी है. नई रेजिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला भी यही रहेगा, रेजिस्टिविटी एल बाय ए. तो रेजिस्टिविटी तो इतनी है, सेम रहेगी. लेंथ कितनी होगी, हाफ होगी पहले से, तो एल की जगह क्या आएगा, एल बाय 2 आ जाएगा. और एरिया कितना होगा, डबल. एरिया की जगह क्या आ जाएगा, 2a. ये हो गया हमारे पास 1/4 रेजिस्टिविटी एल बाय ए. क्लियर है? रेजिस्टिविटी एल बाय ए की वैल्यू कितनी है, 6. तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 6, 1/4 × 6. तो ये कितना आ गया, 3/2, मतलब 1.5 ohm इसका आंसर आ गया. जो न्यू रेजिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, 1.5 ohm हो जाएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं. इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, ड्रॉज अ करंट ऑफ 2.4 एम्पीयर. ये कितना करंट ड्रॉ करता है, 2.4 एम्पीयर का. तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी दी हुई है,
2.4 एम्पियर, क्लियर है, फ्रॉम 120 वोल्ट सप्लाई लाइन, और पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 120 वोल्ट, क्लियर है। वो कहता कि कितना करंट ये रूम हीटर ड्रॉ करेगा अगर इसको कनेक्ट किया जाए 240 वोल्ट के साथ, ठीक है। अब मतलब हमने न्यू करंट निकालना है, और अगर हमारा पोटेंशियल हो जाए 240 वोल्ट, सेम सब्सटेंस है, रूम हीटर तो सेम सब्सटेंस है, सेम ही रूम हीटर है, तो रेजिस्टेंस क्या रहेगी सेम। तो यहां से पहले हम V इज इक्वल टू आई आर यूज करके क्या फाइंड कर लेंगे, रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितनी है 120, करंट कितना है 2.4, और रेजिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा 120 और 2.4 नीचे चला गया तो 24 इंटू 10 बन गया, रेजिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास 12 to the 24 और 2550 ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ गए स्टूडेंट्स। तो ये रेजिस्टेंस का हम यूज़ करेंगे सेकंड केस में, V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास अब पोटेंशियल कितना है 240, करंट हमने फाइंड करना है, और रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास 50, ठीक है, 50 नीचे जाके डिवाइड हो गया, 240 / 50 ये आ गया 4। तो यहाँ पे करंट कितना आ गया स्टूडेंट्स 4.8 एम्पियर हमारे पास करंट आ गया, न्यू करंट है जो। एंड अगर स्टूडेंट्स कोई भी न्यूमेरिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को पर्सनली मेल कर सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, आपको उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।